क्लियोपेट्रा दुनिया की ऐसी रानी है जिसके किस्से सबसे ज्यादा सुनाए जाते हैं। दुनिया में इंग्लैंड की महारानी से कहीं अधिक मशहूर है मिस्र की ये रानी। अपनी सुंदरता से लोगों के दिलों पर राज करने वाली रानी है क्लियोपेट्रा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लियोपेट्रा के बारे में। जी हाँ, गधी के दूध से नहाकर राजाओं को वश में करती थी क्लियोपेट्रा। अलेक्जेंडर के बाद मिस्र पर राज करने वाली औरत थी क्लियोपेट्रा। दोस्तों, क्लियोपेट्रा मिस्र के सिंहासन पर बैठने वाली आखिरी रानी थी जिसने लगभग 40 साल तक मिस्र पर राज किया था। अपने हुस्न जलवों और अजीबोगरीब हरकतों की वजह से वो आज भी याद की जाती है। वो ऐसी रानी है जिस पर ना जाने कितनी फिल्में और नाटक बन चुके हैं। अपने सौंदर्य के जादू से उसने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को अपना दीवाना बना रखा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो पुरुषों को अपने मोहजाल में फंसा कर उन्हें अपने रास्ते से बड़ी आसानी से हटा देती थी। उसने जूलियस सीजर को भी इस तरह से ही अपनी सुंदरता के मोहजाल में फंसाकर मिस्र का शासन हासिल किया था। किस तरह से बनी थी रानी क्लियोपेट्रा के पिता प्टोलेमी 12 थे। प्टोलेमी 1 जो कि अलेक्जेंडर के सेनापति और मिलिट्री जनरल थे, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद मिस्र के राजा बने थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा सबसे बड़ी थी और उसका भाई प्टोलेमी 13 उससे छोटा था। लेकिन कोई भी एक महिला को रानी नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए सब ने उसे सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे। हालात ये हो गए थे कि क्लियोपेट्रा को मिस्र छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। लेकिन क्लियोपेट्रा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सीरिया में अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और मिस्र पर राज करने की तमन्ना लेकर मिस्र की ओर चल पड़ी। जूलियस सीजर से सामना। क्लियोपेट्रा की लड़ाई में उसका साथ दिया जूलियस सीजर ने। क्लियोपेट्रा ने सीजर को अपने वश में कर लिया था। क्लियोपेट्रा की सीजर से पहली मुलाकात बड़ी ही रोमांचक थी। वो एक कालीन में लिपटकर जूलियस सीजर से मिलने पहुंची थी, जिसे देखकर ही सीजर उसका दीवाना हो गया था। सीजर को अपने साथ मिलाकर क्लियोपेट्रा की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, जिसके बाद उसने अपने भाई को हराकर फिर से मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के साथ ही रोम की रानी बनकर रहने लगी थी। लेकिन तब अचानक जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। इसके बाद क्लियोपेट्रा वापस मिस्र में आकर रहने लगती है। सीजर की मौत के बाद मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियन के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है। मार्क एंटोनी जूलियस की हत्या के पीछे क्लियोपेट्रा का हाथ समझता है, इसीलिए वो क्लियोपेट्रा को पूछताछ के लिए बुलाता है। लेकिन क्लियोपेट्रा मार्क एंटोनी को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती है। कहते हैं कि अपने हुस्न को बनाए रखने के लिए क्लियोपेट्रा रोजाना 700 गधी का दूध मंगवाती थी, और एक शोध के अनुसार गधी के दूध में गाय के दूध से भी कम वसा होती है। इसलिए मिस्र की ये अंतिम रानी गधी के दूध से नहाती थी ताकि उसका यौवन हमेशा जवान रहे। ऑक्टेवियन से युद्ध। मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा आपस में मिल गए थे, लेकिन दूसरी ओर ऑक्टेवियन रोम पर एकाधिकार के लिए मिस्र को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। क्लियोपेट्रा और एंटोनी ने मिलकर ऑक्टेवियन से युद्ध किया, लेकिन दोनों की फौजें मिलकर भी ऑक्टेवियन को नहीं हरा सकी थी। इस युद्ध में ऑक्टेवियन को विजय मिली और हार के बाद क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी को इजिप्ट भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा की मौत। क्लियोपेट्रा की मौत का रहस्य भी बहुत उलझा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार क्लियोपेट्रा ने पहले मार्क एंटोनी की हत्या करवा दी और बाद में खुद की जान ले ली। कहा जाता है कि एंटोनी को लगा कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है, इसलिए उसने अपनी जान दे दी थी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटोनी के सामने ही इजिप्टियन कोबरा से कटवाकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद एंटोनी ने भी अपनी जान दे दी थी। क्लियोपेट्रा इतिहास में अपने सौंदर्य, रणनीति और अपने प्रेम संबंधों के चलते चर्चा में रही हैं। फिर भी क्लियोपेट्रा एक ऐसी औरत थी जिसने पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसे समय में अपनी पहचान बनाई जिस समय औरतों की पहचान नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपेट्रा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।